तो वहीं साउथ अमेरिका के पेरू में सोमवार को खाई में बस गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। घटना उत्तरी पेरू में हुई। बस लगभग 200 मीटर यानी कि लगभग 650 फीट गहरी खाई में गिरी। नीचे नदी थी और कई यात्री इसमें बह गए जिनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू वर्कर और फायर फाइटर्स घटना स्थल पर मौजूद हैं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं लोकल प्रशासन ने इलाके में 48 घंटे के शोक की घोषणा की है। वहीं अधिकारी हादसे की वजह की जांच कर रहे हैं।